हाय फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है बेबी कॉर्न। आज मैं बेबी कॉर्न चिल्ली बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगी, इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से इसे कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं इस तरह से कट करना है। इसी तरह से मैं सारा कट कर लूँगी। तो यहाँ पे सारा मैंने बेबी कॉर्न को कट कर लिया है। चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। तो इसमें डालूँगी सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। बेबी कॉर्न डाल दूँगी इसमें। 6-7 मिनट इसे बॉईल करूँगी। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 6-7 मिनट ही बॉईल करना है इसे। तो देख सकते हैं इसे बॉईल होते हुए 6-7 मिनट हो गया है। तो अच्छे से ये बॉईल हो गया है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे स्ट्रेन कर लूंगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ कंटेनर लिया हुआ है, आप कोई भी बॉल ले सकते हो। तो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसे ऐड कर दूंगी। टू टेबल स्पून मैंने लिया है राइस फ्लोर, इसके जगह पर आप मैदा भी ले सकते हो। इसी में ऐड करूंगी ब्लैक पेपर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। रेड चिली पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करूंगी। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसी में मैं डाल दूंगी बेबी कॉर्न, इसे मैं डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं ऊपर से डालूंगी 1 चम्मच राइस फ्लोर और 1 चम्मच डालूंगी कॉर्नफ्लोर और इसे फिर से मिक्स करूंगी ताकि अच्छे से सारे बेबी कॉर्न में कोट हो सके। तो मैंने कोट कर लिया अच्छे से। चलती हूँ अगले स्टेप में। तो देख सकते हैं तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब सारे बेबी कॉर्न को डालकर इस तरह से फ्राई कर लूँगी। गोल्डन कलर आने तक फ्राई करने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा ये।
पर्सनली मुझे बहुत पसंद है बेबी कॉर्न चिल्ली, सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये। इसे उलट पलट करके इस तरह से फ्राई कर लूँगी क्रिस्प होने तक। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। इसे इस तरह से उलट पलट करके क्रिस्प होने तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ही डिलीशियस लगता है ये। और फटाफट से बन भी जाता है। तो देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर आ गया है, फ्राई हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी हो गया ये। इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से दूसरा बैच भी डाल दूंगी और अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो देख सकते हैं हमारा बेबी कॉर्न दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। इसे भी मैं निकाल दूंगी। मैंने सारे बेबी कॉर्न को फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है ये। सुन सकते हैं आपका आवाज़ इसका। होटल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी घर पे बनता है और बहुत आसानी से। तो अगले स्टेप पे चलती हूँ। तो मैंने उसी पैन को चढ़ा दिया है, ज़्यादा ऑयल था उसे मैंने निकाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली। गैस का फ्लेम हाई रहेगा। इसे 1-2 मिनट इसे सॉटे करूंगी। एक दो मिनट ही मैंने इसे सॉटे किया है। अब मैंने यहाँ पे प्याज लिया हुआ है, कैप्सिकम लिया हुआ है, तो इस तरह से मैं कटिंग की हूँ इसे, देख सकते हैं। और कैप्सिकम का भी कटिंग मैंने इसी तरह से किया हुआ है, इसे भी डाल दूंगी। एक से 2 मिनट इसे भी सॉटे करूंगी। तो 2 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। अब सारे सॉसेज डालूंगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने लिया है टोमेटो सॉस, इसे डाल दूंगी फिर से। 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया हुआ है। इसके जगह पर रेड चिली सॉस भी आप डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने डार्क सोया सॉस लिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने वेनेगर लिया हुआ है। सॉस को थोड़ा कुक कर लूँगी। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसका स्लरी बना लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। सॉस मेरा कुक हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी स्लरी।
इसे भी थोड़ा कुक करूंगी। मैं ड्राई बना रही हूँ, आप ग्रेवी बनाना चाहते हो तो ग्रेवी वाला भी बना सकते हो। अब इसी में मैं सारे कॉर्न को डाल दूंगी, सारे बेबी कॉर्न को अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, अभी हल्का सा सॉल्ट, सॉल्ट मैंने क्योंकि पहले भी डाला हुआ है तो हल्का सा ही डालूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी। मेरा बेबी कॉर्न चिली ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। अब इसे प्लेटिंग कर लूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा व्हाइट तिल भी डाल देती हूँ, सफ़ेद वाले तिल मैं भूल गई थी डालना, अगर आपके पास है तो डालो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। मिक्स कर दूंगी। तो देख सकते हैं मैंने प्लेटिंग कर दिया है, बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। ये होटल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी घर पर बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से जरूर ट्राई करें। फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।